तो बात करो थानापति विजय कमल हसन, आप देखोगे सब सीए के आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप एक बात कहो तो सीए क्या है बेसिकली, जो बाहर के माइनॉरिटीज है उन्हें हमारे देश में लाया जाएगा। और आप देख सकते हो कि बाहर माइनॉरिटीज की बहुत खराब हालत है, लिटरली बहुत खराब हालत है। आप कुछ भी सर्च करके देख लो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में आज भी भेदभाव होता है वहाँ के हिंदुओं के साथ। तो उसके ऊपर सीए, बाकी एनआरसी लाएगा तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके ऊपर तुम अपने अपने ओपिनियन रख सकते हो, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है। लेकिन बात सीए की, तो हम सबको बताए कि बाहर के माइनॉरिटीज को लाने के लिए वो लॉ आ रहा है। बाकी इसके लिए भी जिनको लगता है डिबेट होने चाहिए वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन ये तमिल के सारे स्टार इसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं? तो सबसे पहले बात करूं, तमिल इंडस्ट्री का अपना एक इतिहास रहा है, और आज जो भी इंडस्ट्री ले लो 60s 70s में जो वहाँ के सुपर स्टार बने हैं उसी के ऊपर पूरी इंडस्ट्री चली आगे चलकर। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु इंडस्ट्री, सीनियर एनटीआर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, यानी जूनियर एनटीआर के दादाजी, तो उन्हीं की आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलते हैं। सीनियर एनटीआर जी जो थे तो उनकी मूवी सारी भगवान श्री कृष्ण जी या फिर महाभारत रामायण ऐसे हमारे पौराणिक जो स्टोरी होते थे उसके ऊपर होते थे। तो इसलिए आपको तेलुगु इंडस्ट्री में कल्चर ट्रेडिशन इन सबको बहुत देखने को मिलेगा। और आरआरआर भी देखोगे तो प्रभु श्री राम जी का वो सिंबॉलिक वे देखना, ये सब इसलिए है क्योंकि वहां पर जूनियर एनटीआर जी के जो दादाजी थे सीनियर एनटीआर, वो वैसे मूवीज बनाते थे तो वो वैसे मूवीज चली। अब बात करो तमिल इंडस्ट्री की, तमिल इंडस्ट्री में जो वहां के सुपरस्टार आए थे वो थे उस शिवाजी गणेशन, MGR, और इनके मूवीज की राइटिंग करते थे करुणा निधि, जिनके बेटे है टैलिन, जो आप रिसेंटली अपने स्टेटमेंट सुना होगा उनका घटिया स्टेटमेंट, तो उन्हीं के दादाजी थे करुणा निधि जी। और वो इन सब के मूवीज की स्टोरीज लिखा करते थे या फिर डायलॉग राइटिंग किया करते थे, और वो बहुत इंस्पायर थे पेरियार जी से। पेरियार जी जो थे उन्होंने एक आइडियोलॉजी लाई, द्रविडियन आइडियोलॉजी, आप उसके बारे में काफी चीजें देख सकते हो। तो पेरियार जी से इंस्पायर थे शिवाजी गणेशन जी, भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे उस वक्त, लेकिन उनके अपने अलग पॉलिटिक्स थे। और ये जो MGR जी थे इन सब ने कहीं ना कहीं वो द्रविडियन पॉलिटिक्स वाली मूवीज बनाई, इसके लिए उसका इन्फ्लुएंस आज तक रहा। और वैसे कई सारी ढेर सारी मूवीज आपको देखने को मिलती है। और साउथ में एक चीज होती है, वहाँ का जो भी सुपरस्टार होता है आप ये कंफर्म समझ लो वो पॉलिटिक्स में जाता ही है, कोई भी सुपरस्टार हो वो जाता ही है पॉलिटिक्स में। तेलुगु में देख लो पवन कल्याण जी गए, चिरंजीवी भी गए थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जाना उनकी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। तो ऐसे के चलते थालापति विजय भी पॉलिटिक्स में आए, कमल हसन जी पॉलिटिक्स में आए, रजनीकांत जी ने जी भी अनाउंस कर दिया था क्या है ये, लेकिन अब स्टैंड के लिए तो वहाँ पर द्रविड़ियन आइडियोलॉजी फेमस होती है, इसलिए देखोगे तो ये सब ये इन सब चीजों का विरोध करेंगे। और इसके बाद थालापति विजय काफी ट्रोल भी होते, लेकिन उनको एक बात समझनी पड़ेगी। अब थालापति विजय ने अनाउंस कर दिया कि वो उनकी लास्ट मूवी होगी जो आने वाली, उसके बाद वो प्रॉपर पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो उनको अब ये नहीं पड़ेगी कि पैन इंडिया के लेवल पर उनकी मूवी आएगी तो चलेगी, तो ऐसा नहीं है। अब वो स्टेट पॉलिटिक्स ही करेंगे और जो भी तमिल की ऑडियंस है उसके हिसाब से वो चलेंगे। अगर वो मूवीज करते तो शायद मुझे नहीं लगता उनके स्टेटमेंट भी आते, और कमल हसन जी के भी नहीं आ रहे थे एक वक्त तक जब तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। बाकी रजनीकांत जी सबसे अलग है, रजनीकांत जी ने जो पेरियार जी थे उनके ऊपर सवाल भी उठाए थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी की रैली निकाली थी जिसमें प्रभु श्री राम जी को बहुत अपमानित किया था, तो रजनीकांत जी को माफी मांगने के लिए बोला गया था वहाँ के सारे ऑडियंस से, लेकिन रजनीकांत जी ने माफी नहीं मांगी, उल्टा कर उन्होंने प्रूफ दिया कि ये वो रैली और इसमें प्रभु श्री राम जी का अपमान हुआ है तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो वही है कि रजनीकांत जी इससे अलग जाकर पॉलिटिक्स करेगा, और इसलिए वहां पर जो देखने को मिलेगा आगे चलकर मुझे लगता है रजनीकांत जी वर्सेस थालापति विजय होगा। ओवरऑल यही चीज को होगा कि ना मैं कोई बीजेपी से जुड़ा हूँ, ना मैं कोई आईटी सेल का हिस्सा हूँ, और ना मेरे कुछ ओपिनियन इस चीज में, मैं सिर्फ यही बता रहा था कि क्यों तमिल में आप देख लो कमल हसन जी का भी जो बीच में आया था स्टेटमेंट कि मैं नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं होना चाहता थिएटर में, हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा अनपॉपुलर ओपिनियन क्यों निकलते हैं तमिल इंडस्ट्री से, उसके सिर्फ मैंने एक वजह बता दी, बेस बता दिया ऐसा क्यों होता है।